हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज इन नेचुरल कंडीशंस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट मोस्ट लाइकली टू बी अ लिमिटिंग फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. पूछा गया कि नेचुरल कंडीशन में जो लाइट होता है कौन से कंडीशन में जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह जो है एक्ट करता है फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए. तो अगर हम देखें लाइट जो है ये मोस्टली लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करता, क्योंकि जनरली हमें पता है कि लाइट तो अवेलेबल हो गई तो फोटोसिंथेसिस जो है होता ही है. सो लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह मोस्टली अगर हम देखें लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करता, लेकिन रेयरली करता है. वो भी कौन से कंडीशन में? रेयरली, जैसे अगर हम देखें जो प्लांट शेड में होते हैं या फिर डेंस फॉरेस्ट में होते हैं. सो प्लांट्स जो कहाँ पे हो, शेड में हो या फिर जो डेंस फॉरेस्ट में हो. जैसे डेंस फॉरेस्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ऐसे डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो ये जैसे कि यहाँ पे ट्री है, देन यहाँ पे भी अगर हम देखें ऐसे ट्री है, तो यहाँ वाला जो प्लांट है उसको हमें पता है कि कभी भी यहाँ पे लाइट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ एक तरह से क्या हो रहा है कि ये पूरा जो है कवर कर रही है, जो फॉरेस्ट में डेंस फॉरेस्ट जो है ऊपर का ऐसे कवर कर रहे हैं, तो नीचे वाले प्लांट को यहाँ पे लाइट नहीं मिल पा रहा है. सो इस कंडीशन में लिमिटिंग फैक्टर कितना एक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है. किसी भी केमिकल प्रोसेस में जब मोर देन वन फैक्टर अफेक्ट करे, तो उनमें से वो फैक्टर जो कि अपने मिनिमल वैल्यू के नियरेस्ट हो, वो लिमिटिंग फैक्टर कितना एक्ट करेगा, वो जो है रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस जो है उसको डिटरमाइन करता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें लाइट तो जनरली क्या होता है, जनरली लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करता, सिर्फ रेयरली ही एक्ट कर रहा है. वो भी कहाँ पे? जैसे कि शेड हुआ या फिर डेंस फॉरेस्ट में. तो ये करेक्ट है इस वाले के लिए. मेज, शुगरकेन, सॉर्गम, ये तो गलत हो गया. यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? जो प्लांट शेड में हो या फिर डेंस फॉरेस्ट में हो, उसके लिए यहाँ रेयरली ऐसा एक्ट कर रहा है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. वो भी अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.